जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके इंजीनियरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डालमिया सीमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, साथ में ये भी बताने वाला हूं कि यह आपके ब्रिक वर्क के लिए कैसा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डालमिया सीमेंट को जयदयाल डालमिया ने बनाया, जो कि बेहद ही मजबूत सीमेंट होती है। और यहाँ पर बोरे के ऊपर में हम देखते हैं कि डालमिया सीमेंट लिखा हुआ है और यह डालमिया का प्लेन सीमेंट है। तो अब हम बोरे को पलट लेते हैं और उस पार में देखते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी होती है और इसका उपयोग हमें किन किन कामों में करना चाहिए। तो दोस्तों हमने बोरा को पलट लिया है और इस पार में देखते हैं कि डालमिया सीमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर फ्यूचर टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पर ISI का मार्क और यहाँ CML नंबर दिया हुआ है। बोरे के लास्ट में RAS नवंबर 02 यानी कि इसका बैच नंबर दिया हुआ है। बैच नंबर आप खरीदते वक्त ज़रूर देखें, क्योंकि बैच नंबर नहीं होगा तो इसको डुप्लीकेट सीमेंट माना जाएगा। तो यह एक कंपोजिट सीमेंट है। यहाँ पर नेट वेट की बात करें तो 50 kg है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लैग और फ्लाई ऐश दोनों की मात्रा इसमें मिली हुई है, इसलिए इसको कंपोजिट सीमेंट कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डालमिया सीमेंट का हेड ऑफिस डालमियापुरम तमिलनाडु में है और यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है, आप इन पर भी बात कर सकते हैं जो कि टोल फ्री है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोरे के ऊपर में लिखा हुआ है कि पहले वीक होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, फिर स्लैग की मात्रा होगी और फिर फ्लाई ऐश की मात्रा होगी। तो चलिए अब हम बोरे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 550 रुपया इनका प्राइस लिखा हुआ है और 46 यहाँ पर वीक दिया हुआ है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 44 यानी 11वें महीने के सेकेंड वीक का माल है और यहाँ पर मंथ में भी 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2022 का माल है। पहले यहाँ स्लैग की मात्रा 32% दी हुई है, इसके बाद इसमें फ्लाई ऐश की मात्रा 25% दी गई है। दोस्तों अब जो भी सीमेंट बन के आ रहे हैं उसमें फ्लाई ऐश की मात्रा ज़रूर मिलाई जा रही है। तो आइए अब हम इनका पूरा डिटेल्स लेते हैं। तो दोस्तों अभी जितने भी सीमेंट आ रहे हैं उसमें फ्लाई ऐश के साथ साथ स्लैग की मात्रा मिली हुई रहती है, ताकि उसमें क्रेक आने के चांसेस काफ़ी कम हो सके और ये आपके जुड़ाई के वर्क में यानी कि ब्रिक वर्क में परफेक्ट सीमेंट होने वाला है। तो इसको आप बेहिचक खरीद सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आशा है कि मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते ही रहेंगे ऐसे नए नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।